वर्ब की वैसे तो तीन फॉर्म होती हैं, तो आज हम बात करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म की, जो आईएनजी लगाने पे हमें मिलती है। सबसे पहले जो रूल है, पहला, यदि वर्ब के अंत में ई है तो ई को डिलीट करके आईएनजी लगता है। जैसे राइट, WRIT, राइट माने लिखना, राइटिंग, राइटिंग में जो लास्ट वाला ई है ये हट के आईएनजी लग गया। हाइड, हाइड माने छिपना, हाइडिंग। उसके बाद दूसरा रूल है, यदि वर्ब के आखिरी अक्षर से पहले यदि वावल हो तो आखिरी अक्षर दो बार हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे कि स्टॉप, STOP, स्टॉप में आखिरी है पी और इससे पहले ओ, ओ एक वावल है इसलिए पी डबल हो गया है। स्टॉपिंग, रन का रनिंग। उसके बाद तीसरा नियम है, यदि वर्ब के अंत में आई और ई हो तो आई एन जी लगाते समय आई ई का वाई हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डाई, DIE, डाई माने मरना, DY, IE का वाई बदल गया, ING लग गया। लाई का लाइन, LYING। उसके बाद है फोर्थ नियम, यदि क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में वाई हो और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब कि वावल ना हो, तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में बदलते टाइम वाई की जगह आई यूज होगा। जैसे ट्राई, ट्राई का ये आई है, इस ये वाई है, इससे पहले आर है, ये क्या है, वावल नहीं है, तो इसका वाई का आई में बदल जाएगा जब वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म बदलेंगे। ट्राइड, ट्राइड, जैसे स्टडी का स्टडीड, स्टडीड। उसके बाद है, यदि वाई से पहले वावल हो, वाई इसी में बता दिया कि लास्ट में वाई से पहले अगर वावल है तो फिर क्या होगा, तो सीधा ई डी जुड़ जाएगा। प्ले, वाई है वैसे लास्ट में, इससे पहले वावल है तो प्लेड, प्लेड। ओबे, ओबेड, ओबेड। उसके बाद पांचवा नियम है, वर्ब के लास्ट डिजिट से पहले यदि वावल या स्वर हो तो फॉर्म बदलते टाइम लास्ट डिजिट डबल हो जाता है। जैसे कि स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। रोब, रोब्ड। लास्ट डिजिट से पहले, मतलब कि आखिरी है पी, इससे पहले वाला है ये वावल है, तो बदलते टाइम पे जब इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाएंगे तो लास्ट जो डिजिट है, अक्षर है, ये डबल हो जाता है। रोब का रोब्ड। कुक है, इसमें डबल वावल आ गया है इसलिए इसका के डबल नहीं हुआ है, कुक्ड, कुक्ड। तो ये हैं दूसरी, ऐसे ही वर्ब के ये एग्जाम्पल हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।